कोरोना वायरस का कहर अभी भी देश भर में आग की तरह फैल रहा है। आए दिन कई कई लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। फिल्म और टीवी इंडस्ट्रीज भी इसे अछूता नहीं रहे। हर रोज किसी न किसी सेलेब्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। वहीं खबर है कि पंजाब की ऐश्वर्या राय कहे जाने वाली एक्ट्रेस हिमांशी खुराना भी इस वायरस की चपेट में आ गई है। इसकी जानकारी खुद हिमांशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है। दरअसल 25 सितंबर को एक्ट्रेस किसान के कृषि बिल विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थी, जहां हजारों लोगों की भीड़ थी। ऐसे में एक्ट्रेस कोरोना वायरस का शिकार हो गई है। वहीं पोस्ट में उन्होंने लिखा, मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि काफी सावधानी बरतने के बावजूद मेरा रिजल्ट कोविड-19 पॉजिटिव आया है। आप सभी जानते हैं कि परसों मैं एक प्रोटेस्ट का हिस्सा थी और वहां खूब भीड़ थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार कोरोना की जांच करवा लूं। मैं बस बताना चाहती हूं कि रैली के वक्त जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं, वे प्लीज अपनी जांच करवा लें और रैली के दौरान जरूरी सावधानी बरतें। जो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वे ये ना भूलें कि अभी महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और एहतियात बरतना काफी जरूरी है। वहीं आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में कई टीवी सेलिब्रिटीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें श्वेता तिवारी, राजेश्वरी सचदेव, हिमानी शिवपुरी, हिमांशी सोनी, श्रीनु पारिक, करम राजपाल, संजय गगनानी और राहुल सुधीर के अलावा कई और सेलेब्स शामिल हैं। हिमांशी खुराना हमेशा से ही अपने लुक्स और स्टाइल को लेकर चर्चा में रही हैं। वहीं अगर उनके वर्क फ्रंट की बात करें तो इन दिनों वो कई सॉन्ग्स एल्बम में नजर आ रहे हैं। हाल ही में हिमांशी खुराना और आसिम रियाज का गाना दिल को मैंने दी है कसम रिलीज हुआ है, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया। इससे पहले भी हिमांशी खुराना और आसिम रियाज के दो ख्याल रख्या कर और कल्ला ही सोना नई गाने रिलीज हुए थे, जिसे फैंस ने बेहद पसंद किया था।